दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। और आज है मेरी वाइफ का बर्थडे, तो हम चलेंगे अपने इष्ट देव के मंदिर श्री गोपीनाथ में। तो मिलते हैं आपको सीधे मंदिर। जय गोपीनाथ, जय महादेव। तो पहुंच चुके हैं दोस्तों हम गोपीनाथ मंदिर में, और आप भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के। हम वैसे तो पूजा करके आ चुके हैं बाहर दर्शन के बाद, क्योंकि भोलेनाथ के हर मंदिर की परिक्रमा करना बहुत ज़रूरी, तो अभी हम यहाँ पर परिक्रमा करेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं मंदिर का बहुत ही खूबसूरत दृश्य, जो कि आपने शायद देखा नहीं होगा। जो लोकल है उन्होंने तो सबने देखा होगा, लेकिन जो अगर बाहर के कोई हैं श्रद्धालु हमारे, जो हमारे साथ दर्शक हैं, तो वो भी देख लीजिए मंदिर की बारीकियाँ और मंदिर की खूबसूरती। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये प्राचीन त्रिशूल जो कि मंदिर की शोभा बढ़ाता है, इसमें मान्यता यही है कि अगर इसे हम हाथ की छोटी उंगली से हिलाएंगे तो इजीली हिल जाएगा, और पूरा जोर लगा के हिलाएंगे तो इसे टस से मस करना ही बहुत मुश्किल है। श्री गोपीनाथ मंदिर के पीछे श्री रुद्रनाथ मंदिर विराजमान है। यहाँ पे शीतकाल के दौरान 6 महीने के लिए श्री रुद्रनाथ भगवान जी की मूर्ति विराजमान रहती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों से लाइक करने के लिए कीजिए। यार, अभी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।